किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे करेले की खेती का पूरा विश्लेषण करेंगे, उसका बीज, उसकी बुआई, बुआई की विधि और उसकी लागत, हर चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाई, देखिए करेले की खेती दो प्रकार से की जाती है। एक करेला होता है बीज वाला, जिससे हम बीज तैयार करते हैं और उसके बीज को मार्केट में बेचते हैं, और दूसरा करेला होता है सब्जी वाला। सब्जी वाला करेला, जो हरा करेला ही बेचा जाता है, उसे सब्जी वाला करेला कहते हैं, उसका बीज नहीं तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जी वाले करेले की, जो हरा ही तोड़ के बेचा जाता है। हरा करेले की वैज्ञानिक खेती के बारे में हम पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको करेला बोना है तो ये आपको जानना होगा कि करेला कौन से सीज़न में बोया जाता है। करेला आप साल के दो सीज़न में बो सकते हैं, एक तो गर्मी में बो सकते हैं और दूसरा बारिश में बो सकते हैं। एक गर्मी वाला करेला होता है और एक बारिश वाला करेला होता है। बारिश वाला करेला जो होता है आपको ठंडी में फल देता है, उसका फल आपको ठंडी में प्राप्त होगा, आप उसे ठंडी में बेच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बारिश में बोए जाने वाले करेले की, जो आपको ठंडी में सब्जी तैयार मिलेगी, हरा करेला तैयार मिलेगा। अब बारिश का करेला कौन से महीने में बोया जाता है? बारिश का करेला अगर आप बोना चाहते हैं तो बारिश का करेला आपको जुलाई के महीने में बोना चाहिए। जुलाई के महीने में आप बोएंगे तो आपको ये नवंबर से ले कर दिसंबर जनवरी तक आपको ये फल देगा। कहने का मतलब 15 नवंबर के बाद या 15 नवंबर तक आपको इसमें से करेले का फल प्राप्त होने लगेगा। अब बात करते हैं इसकी बुआई करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। देखिए किसान भाई, खेत की तैयारी नॉर्मल जैसे हर फसल के लिए, हर खेती के लिए की जाती है, उसी तरीके से करेले की खेती के लिए भी खेत तैयार करना पड़ेगा। उर्वरक वगैरह के साथ में कल्टीवेटर और रोटावेटर से अच्छी जुताई करके मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बनाना चाहिए। ये सब नॉर्मल है, लेकिन कौन सी फसल में कौन सी खाद पड़ेगी और कितनी मात्रा में पड़ेगी, ये सब एक अलग मैटर होता है। लेकिन जो सिद्धांत है, बेसिक जो चीज़ें हैं, वो यही है कि आपको खेत में कंपोस्ट, गोबर की खाद और रासायनिक उर्वरक, इन सब चीज़ों का भुरकाव करके आपको जुताई कराना रहता है, गहरी जुताई कल्टीवेटर से, और उसके बाद में रोटावेटर से आप मिट्टी एकदम से अच्छी बनवा लीजिए। हो सके तो आप एक बार दो बार कल्टीवेटर कराइए, दो बार रोटावेटर कराइए, मिट्टी एकदम बढ़िया बन जाएगी। ये सब जब मिट्टी एकदम तैयार हो जाए तो करेले के खेत में बेड बनवाना पड़ता है। आजकल मशीनरियों का दौर है तो ट्रैक्टर से बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे बेड बनता है। बात हम कर रहे हैं वैज्ञानिक खेती के बारे में, इसलिए हम इन सब चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। आप साधारण भी कर सकते हैं, जैसे पहले किया जाता था उस तरीके से आप कर सकते हैं, फावड़े से भी बेड बना सकते हैं। तो जो बेड बनेगा वो एक बेड से दूसरी बेड की दूरी जो है, बीच की दूरी है अंतर, उस अंतर को हम एक मीटर रखते हैं। एक मीटर के अंतर पे ही हर बेड को हम बनाते चले जाते हैं। अगर फावड़े से बना रहे हैं तो, और हम मशीन से बनवा रहे हैं तब भी लमसम ऐसे ही बनता है। फिर उस बेड के ऊपर हम मल्चिंग पेपर सेट कराते हैं। मल्चिंग पेपर क्या है, हमारे चैनल पर वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मल्चिंग पेपर उन बेडों पे सेट करा देंगे, उस बेड को अच्छे से कवर कर लेगा मल्चिंग पेपर। फिर उस पेपर के ऊपर
बीज बोने के लिए हमें मल्चिंग पेपर में होल काटना पड़ता है, उसे हम डेढ़ डेढ़ फीट की दूरी पे होल काट देते हैं। अगर हम दो लाइन में बो रहे हैं, एक ही बेड पे दो लाइन में बो रहे हैं करेला, तो हमें जिग जैग टाइप से काटना चाहिए। जिग जैग टाइप से काटने से करेला जो है ज़्यादा घना नहीं दिखाई पड़ता है और उसमें फल भी अच्छे आते हैं, उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। इसलिए जिग जैग टाइप से, अगर एक होल इधर है तो एक होल उसके थोड़ा सा वो साइड में काटिए। मान लीजिए एक होल इधर एक होल इधर एक ही लाइन में है, तो दोनों होल के बीच का जो जगह रहता उसके सीध पे इस लाइन में होल काटिए। ऐसे काटते जाएंगे ऑटोमेटिक जिग जैग बन जाता है। फिर आप उन होल के बीच में मिट्टी के अंदर करेले का बीज बो दीजिए। करेले का बीज अगर आप दो नग बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए कि अगर मान लीजिए एक नग में जर्मिनेशन नहीं आया तो दूसरे में अवश्य आएगा, क्योंकि करेले के बीज में जर्मिनेशन थोड़ा सा कम आता है, ऐसा देखा गया है। अब बीज का चुनाव, आप बीज किसी अच्छे बीज का चुनाव कीजिए, हाइब्रिड का कर लीजिए या और किसी प्रजाति का कर लीजिए। बहुत सारी प्रजातियाँ आई हाइब्रिड में भी और साधारण में भी, तो किसी अच्छी प्रजाति का चुनाव करके जिसके फल अच्छे हों, लंबे हों, चिकने होते हों, आप कहीं देखे हों दूसरे किसान के खेती में, उस प्रकार से आप ले आइए बीज और उसका बुआई कर दीजिए। उसके बाद में आप अपने खेत में एक सेटअप तैयार कीजिए, जो बांस लोहे का तार और रस्सी के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, सेटअप कैसे बनता है, हमारे चैनल पे वो भी वीडियो है, वो भी आप जाके देख लीजिए। आप बेड के ऊपर बर्मा से होल करके बांबू को गाड़ दीजिए। एक बांबू से दूसरे बांबू के बीच की दूरी लगभग 2.5 से 3 मीटर रखिए। बेड के ऊपर ही आपको ये करना है, ऐसे एक लाइन में पूरा कर दीजिए, फिर दूसरे बेड पे, तीसरे बेड पे, इस तरीके से आप कर दीजिए। फिर उन बांबुओं में आप नीचे से 1 फीट छोड़ के एक लोहे का तार फर्स्ट लेवल बांध दीजिए, पहले लेवल का तार। उसके बाद में ठीक उस तार से ऊपर 1 से 1.5 फीट की दूरी पे दूसरा तार बांध दीजिए, सेकंड लेवल हो जाएगा। फिर सेकंड जो तार बांधे हैं आप, उसके ऊपर से लेके 1.5 फीट ऊपर वहाँ पे एक तार बांध दीजिए, तीसरा लेवल हो जाएगा। कहने का मतलब उस बांबू में आपको 1, 2, 3 लेवल में तार बांधना पड़ेगा। और तार बांध दीजिए और जो लास्ट का बांबू होता है, इस छोर का और उस छोर का, दोनों बांबू को आप स्टेर कर दीजिए, ऐसे छोटा छोटा खूंटा लगा के, और बांस के ऊपर ऊपरी सिरे पे तार लेके ऐसे नीचे को बांध दीजिए, ताकि उस पर लोड आए जब करेले के पौधे का, उसके फल का, तो वो बांबू और आपका सेटअप ख़राब ना होने पाए, बांबू झुकने ना पाए, इसलिए वो तना रहें, पूरा टाइट रहें, ऐसा कर दीजिए। जब करेले का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसे पतले धागे के जरिए फर्स्ट लेवल का जो तार है उसके सहारे से बांध दीजिए। इस तरीके से फर्स्ट लेवल पे वो पकड़ लेगा, जितने भी पौधे रहेंगे सबको ऐसे करना है। इसी तरीके से जब पौधे और बड़े होते हैं और थोड़ा सा फैलते हैं इधर उधर, तो सेकंड लेवल पे, फिर थर्ड लेवल पे, इस तरीके से आपको पूरे पौधे को उनकी ग्रोथ के साथ साथ में उन्हें सेट करना पड़ेगा। और करेले में ये सब करने के बाद में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें दवाइयों का आप अच्छे तरीके से देखभाल करते रहिए, दवाइयों का छिड़काव करते रहिए। करेले में रोग बहुत लगते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं, जर्मिनेशन से लेके और जब तक फल लग जाते हैं, इसमें हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगती ही रहती है, तो आपको दवा का छिड़काव करना ही पड़ेगा और अपने नज़दीकी कीटनाशक केंद्र से
परामर्श ले लेके हर टाइम पे दवा लाके उस पर छिड़किए। बोने के समय जब जम जाता है थोड़ा थोड़ा, तब थोड़ा बड़ा हो रहा है तो, जब फूल आ रहे हैं तो, जब फूल से फल बन रहे हैं तब, और जब पक थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेप आपको मिलेंगे जहाँ पे दवाइयों का ज़रूरत लगेगा, तो उसे आप अपने कीटनाशक केंद्र से संपर्क करके लाके उनका छिड़काव कीजिए। जैसे देखिए किसान भाई इसमें खेती में देखिए कैसे दवा का छिड़काव कर रहे हैं, इस तरीके से मशीन के जरिए स्प्रे किया जाता है। और करेले की खेती में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान है, दवाई का और उसकी देखभाल का, ये सब आपको हमेशा देखभाल करना रहेगा। फिर जब करेला नवंबर दिसंबर में फल लग जाए तोड़ के आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो किसान भाई ये रही करेले की खेती के ऊपर एक वीडियो, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।